दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है QSR वर्सेस रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया QSR वर्सेस रेस्टोरेंट्स। ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरा जो व्यूवर्स हैं उनका रिक्वेस्ट था कि सर कैन यू मेक ए वीडियो अबाउट QSR वर्सेस रेस्टोरेंट। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू और आज आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले टैगलाइन लिख दिया है कि आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो है QSR वर्सेस ए फुल फ्लेज रेस्टोरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपके मन में भी कोई प्रकार का जो डाउट होगा आपको करियर को लेके, रेस्टोरेंट्स में काम करना है या फिर QSR में काम करना है, तो इस तरह का अगर आपको डाउट हो रेस्टोरेंट्स क्या होता है तो आज आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। जैसे कि बर्गर किंग है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, डोमिनोज पिज्जा है, तो इस तरह के जो तमाम जो डिफरेंट टाइप का जो रेस्टोरेंट्स हैं इसको बोलते हैं QSR, जो क्विक सर्विस देते हैं दोस्तों। जी हाँ, वंस यू ऑर्डर योर फूड, ओके, इट विल गेट एक्चुअली प्री कुक्ड फूड। जैसे आप ऑर्डर देते हैं दोस्तों, आपका खाना बन के तैयार हो जाता है 5 मिनट के अंदर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। चाइनीज का जो फूड होते हैं वो भी क्विक सर्विस में आते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर भी जैसे ऑर्डर देते हैं खाना तुरंत रेडी हो जाता है। तो इस तरह का जो रेस्टोरेंट है, जो QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, ठीक है। इसमें करियर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर जहां पर ज्यादा जिसका डिमांड होगा तो करियर तो रहेगा दोस्तों, तो ये आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ठीक है। ये अगर आप बाहर जाते होंगे, अगर आप खाना खाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, जैसे KFC है, बर्गर, जैसे कि पिज्जा हट है, डोमिनोज हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो रेस्टोरेंट है दोस्तों इसको कहा जाता है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां पर लोगों के पास समय नहीं होता, जाते हैं एक काउंटर में जाते हैं, पैसा पे कर देते हैं, टोकन ले लेते हैं और टोकन लेके जाके अपना विद इन 5 to 10 minutes के अंदर फूड जो है रिसीव कर लेते हैं, चाहे वो वहाँ पर खा सकते हैं या फिर वो टेक अवे के जा सकते हैं। दोस्तों आज के जो ट्रेंड है, किसी के पास समय नहीं होने की वजह से ये जो रेस्टोरेंट है, जो QSR जो रेस्टोरेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। जितने भी लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो जाते हैं तुरंत ले लेते हैं या फिर टेक अवे मंगा लेते हैं, ठीक है। यही वजह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फूल फल रहा है QSR रेस्टोरेंट्स, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात करेंगे इसमें करियर क्या है। दोस्तों इसमें करियर तो बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है QSR का, जो रेस्टोरेंट चेन है, बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है इंडिया में, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पर ज़्यादा जिसकी डिमांड है वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसमें नौकरी का बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन यहाँ पर काम कर सकता है। जो भी व्यक्ति 10th क्लास पास है, 12th पास है या भी किसी ग्रेजुएशन किया हो दोस्तों, वो सब इसमें काम कर सकते हैं। यदि आप 10th हैं, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और बात करेंगे दोस्तों इसमें सैलरी की, तो सैलरी दोस्तों इसमें शुरू होता है 8,000 से 12,000 रुपए के अंदर में शुरुआत में, साथ ही साथ ज्यादा सेल करते हैं या फिर आपको इसमें इंसेंटिव का प्रोग्राम भी रहता है। बट हाँ दोस्तों, इसमें टिप्स नहीं रहते, बहुत ज्यादा कम इसमें दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है, कोई कस्टमर आते हैं, कस्टमर आके इसमें बस पैसा दिए, टोकन लिए, खाना रेडी हो जाता है 10 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो प्री कुक्ड रहता है, पहले से बना हुआ रहता है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, उनका सब कुछ एकदम अरेंजमेंट रहता है, जैसे कि फूड है, बॉक्स है, रैप है, ठीक है। तो जो भी जरूरत है टेकअवे देने के लिए या फिर पैक करने के लिए, सब कुछ रेडी रहता है दोस्तों। करते क्या है, जैसे ही ऑर्डर आया KOT पहुंच जाता है अपना किचन के पास, जहां पर फूड पैकिंग और तैयार होता है। तो जैसे ही इधर से ऑर्डर हुआ, जैसे उसने पंच कर दिया, पंच करते ही KOT जो किचन ऑर्डर टेकर है वो वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्या करते हैं, वो ऑर्डर के नंबर के हिसाब से फटाफट उसको सारे
सारे जो मटेरियल्स हैं सब कुछ रेडी रहता है, फटाफट फटाफट पैक करके अपना देते हैं डिलीवरी काउंटर में और तुरंत डिलीवर हो जाता है दोस्तों। तो ये है QSR दोस्तों। इसमें जब भी कोई होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट अगर चाहे कि इसमें काम करूं तो दोस्तों मैं सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट शुड नॉट वर्क इन QSR। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, फाइव स्टार होटल में काम नहीं करना है, इंडस्ट्री मुझे करियर नहीं बनाना है, मुझे छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काम करना है, तो दोस्तों आपके लिए वो इंडस्ट्री अच्छा है। बट एज ए करियर प्लानर मैं सजेस्ट नहीं करता एनी होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट गो एंड वर्क इन QSR रेस्टोरेंट्स। हाँ, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड वर्क एंड यू कैन मेक योर करियर। दोस्तों अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो तब काम करना चाहिए जब आप कोई बड़ा होटल में काम करने के बाद अगर आपके पास 4-5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर आके या फिर डिपार्टमेंट हेड या फिर RGM GM बन के काम कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहिए। अब बात करेंगे फुल फ्लेज रेस्टोरेंट क्या होता है। दोस्तों फुल फ्लेज रेस्टोरेंट जो होता है, जैसे कि आपका मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हो गया या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट हो गया, जैसे चाइनीज है, इटालियन है, अब इंडियन है, तो इस तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर गेस्ट आके अपना समय व्यतीत करते हैं, दे टेक ए सीट, दे सिट फॉर लॉन्ग टाइम, दे ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है, तो दैट्स लाइक यू कैन गेट अ फूड लाइक इंडिविजुअल फिक्स्ड प्राइस मेन्यू, ठीक है दोस्तों, जिसे हम अलाकार्ट भी कहते हैं, तो उस तरह का मेन्यू इसमें रहता है। आप जब होटल में जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, बैठने के बाद एक वेटर आएगा या फिर रिसीवर्स आएगा, आपको रिसीव करेगा, वेटर आएगा आपको मेन्यू देगा, फिर ऑर्डर लेगा। ऑर्डर लेने के बाद जो पूरे प्रिपरेशन में टाइम लगता है, क्योंकि ये एवरीथिंग वुड बी अ इंडिविजुअल फिक्स्ड प्राइस का जो मेन्यू होता है, तो इसीलिए ये जब भी आप ऑर्डर देते हैं तो तुरंत एक खाना बनता है, ये पहले से प्रीकुक नहीं रहता, तो जो खाना बनता है खाना बनने के बाद ही आपको आके सर्व होता है, तो इसीलिए दोस्तों ये थोड़ा समय लग जाता है आपको सर्विस देने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसमें करियर के बारे में, क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं दोस्तों रेस्टोरेंट्स वर्सेस QSR, ये तो मैं एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, बट हम जो बात कर रहे हैं ये करियर को लेके, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी जॉब सीकर्स जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स का, जो फुल फ्लेज सर्विस रेस्टोरेंट है, अगर उसमें आप काम करते हैं दोस्तों तो उसमें सैलरी तो अच्छा रहता ही रहता है, साथ ही साथ आपको अच्छा टिप्स भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लीजर के लिए आते हैं, टाइम बिताने के लिए आते हैं, आराम से खाना खाते हैं, बैठे खाना खाते हैं, फैमिली के साथ इंडिविजुअल जो भी गेस्ट आते हैं वो आके अपना समय बिता के जाते हैं, तो वो टिप जरूर देते हैं आपको, सर्विस टिप्स। साथ ही साथ आपको सर्विस चार्ज भी, मैक्सिमम होटल, मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स हैं दोस्तों वो सर्विस चार्ज भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह आपका यहाँ इनकम QSR से ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर दोस्तों इसमें अपार है। आप आज देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छा सैलरी ऑफर करते हैं, अच्छा सर्विस ऑफर करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी ऑफर करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा जो कन्फ्यूज़न कि भाई QSR और एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंस है और इसमें करियर क्या है, हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। अब दोस्तों काम करने की बात आई, आप इंडिया में काम कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी होटल मैनेजमेंट बंदा है, जो भी होटल मैनेजमेंट कर चुका है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप फॉरेन भी जाते हैं किसी भी कंट्री में तो QSR में काम ना करें। अगर आप QSR में काम करते हैं शुरुआत में तो आपका करियर कहीं ना कहीं रुकने की संभावना है। अगर आप काम करना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो फुल फ्लेज सर्विस रेस्टोरेंट है, दैट रेस्टोरेंट शुड बी ए चेन रेस्टोरेंट दोस्तों, इट शुड नॉट बी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में अगर काम करते हैं, अब फिर आपको मन में एक डाउट आ गया होगा कि स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स क्या होता है। स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स का मतलब होता है दोस्तों कोई जो इंडिविजुअल ओनर रहता है, उसका जो एक ओनर रहते हैं जिनका एक ही रेस्टोरेंट है, अगर आप वहाँ पर काम करते हैं, एग्जाम्पल आप इंडिया से फॉरेन चले गए काम करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स में, अगर कहीं अगर उसका बिजनेस ढप हो गया, बिजनेस नहीं चला, रेस्टोरेंट्स बंद हो गया, तो आपका क्या होगा, क्योंकि आप यहां से जब जाते हैं तो किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद क्योंकि आप यहां पर कुछ ना कुछ पैसे देके गए होंगे, आप फ्लाइट में गए हैं, वीजा का पैसा कुछ पे किए होंगे, कंसल्टेंट का चार्ज पे किए होंगे, उसके बाद अगर आप वहां जाते हैं और फिर आपको वापस आना पड़ता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री जाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए, देन यू शुड नॉट गो फॉर ए स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, यू शुड गो ओनली फॉर द चेन रेस्टोरेंट्स, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर चेन रेस्टोरेंट में होता क्या है, अगर आज यहाँ का बिजनेस पर ढप हो गया तो वो आपको दूसरे रेस्टोरेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो लोग रेस्टोरेंट्स बंद नहीं करते दोस्तों, क्योंकि अगर लोग एक रेस्टोरेंट बंद कर दिए तो उनका पूरा ब्रांड है उसमें प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कहीं भी आप चूज करते हैं, कहीं भी आप चेंज करते हैं रेस्टोरेंट्स में काम करने का, देन यू शुड गो ओनली फॉर चेन रेस्टोरेंट्स, नॉट
स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट्स। स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट में देखिए कितना सारा नुकसान है अगर आप जाते हैं तो, और अगर चेन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कितना सारा फायदा होता है। अब बात रही अगर आप रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो उसका करियर क्या है, दोस्तों करियर इसमें बहुत अच्छा है क्योंकि जिस तरह से ये फूड इंडस्ट्री अभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आज के डेट में लोग कोई भी अपना जो भी यंगस्टर्स हैं दे डोंट वांट टू ईट फूड एट होम, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक फैमिलीज ऑल्सो दे गो आउट एंड दे ईट देयर फूड्स। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, तो यू कैन मेक योर करियर इन रेस्टोरेंट्स एज वेल। जी हाँ, अगर आप टेंथ हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना नहीं चाहते, आपके पास पैसा नहीं है, तो यू कैन चूज क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज, टेंथ और ट्वेल्थ। और इफ़ यू आर ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट ऑल्सो यू कैन वर्क इन क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स। अब इसमें होता क्या, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों यू कैन सी एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स लाइक देर आर मेनी क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आर देयर, आई डोंट वांट टू टेल यू द ब्रांड्स नेम बट येस यू कैन सी एनी ऑफ द ब्रांड, यू गो गिव एप्लीकेशन दे विल टेक इंटरव्यू और आपको ज्वाइन होना होगा क्रू मेंबर की तरह आपके एजुकेशन के हिसाब से, यू कैन ज्वाइन। मैं फ्रेशर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, टेंथ हैं, ट्वेल्थ हैं, ग्रेजुएट हैं, आप जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन रहता है, मेंशन सब कुछ सैलरी वगैरह ड्यूटी आवर्स सब कुछ मेंशन रहेगा, उसके बाद आप एक वहाँ काम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी अच्छा करियर है, मैं ये नहीं कह रहा करियर नहीं है, लेकिन हाँ अगर होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए मैं मना किया था क्योंकि आप इतना रुपया खर्चा करके आ रहे हो कि सर मैं काम करते हैं तो कोई फायदा नहीं है करियर को लेके। जो भी जॉब सीकर्स अगर ये चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं अगर ये चाहते हैं कि आपको एक रेस्टोरेंट्स में क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स काम करना है, अगर आप टेंथ हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू दिस इंडस्ट्री, आप उसमें जाके काम कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा करियर है दोस्तों। अगर आपने मेहनत किया, अच्छा लगन से काम किया तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। इसमें होता है आपका क्रू मेंबर, नेक्स्ट है सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर, ठीक है असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन आपका जो आउटलेट मैनेजर, उसके बाद है RGM, GM, तो ये सब कुछ है दोस्तों। तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा आपका करियर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज हमारा वीडियो कैसे लगा, यू मस्ट गिव योर कमेंट्स एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कम विथ अ नेक्स्ट अ नाइस टॉपिक फॉर यू, सो सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू डोंट टिल नाउ। या थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।